लास्ट मंथ का 137 रुपीज़ का बिल था, उसे मैंने 1367 रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज़ करके जो है यहाँ पर इजीली यहाँ पर क्लियर कर लिया है और अब जो है मेरा टोटल कार्ड। तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। गाइज मैं हूँ विशाल और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे जो है आप अपने वन कार्ड क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को ऑनलाइन रिडीम कर सकते हैं और कैसे जो है आप अपने उन रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वन कार्ड क्रेडिट कार्ड है इंडिया का पहला मेटल क्रेडिट कार्ड जो कि आता है बिल्कुल ही लाइफ टाइम फ्री और साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स। गाइज इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस भी बिल्कुल ही सिंपल है, इसके लिए आपको किसी भी बैंक जाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत है। आपको जो है आपके सिबिल स्कोर के बेसिस के ऊपर ये कार्ड ऑनलाइन इशू कर दिया जाता है। गाइज अगर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो प्रेजेंट है, आप उसे जरूर से जाकर के देख सकते हैं। आई कार्ड में मैं यहां पर लिंक दे दूंगा और चलिए अब चलते हैं सीधा इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के प्रोसीजर की तरफ। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद गाइज मैंने यहाँ पर अपनी वन कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है। गाइज आप देख सकते हैं वन कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप अपने मेटल क्रेडिट कार्ड को कम्प्लीटली यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वो सारा आपको यहाँ पर टॉप पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मंथली आपका जो भी बिल जनरेट होता है कार्ड वो सारा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और उसे आप यहाँ से सिंपली पे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न होते हैं हर ट्रांजेक्शन के ऊपर वो सारी चीज़ें भी गाइज आप कम्प्लीटली यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने कार्ड को यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए भी आप अपने कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने कार्ड के ऊपर आप डेली लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने वन कार्ड को यहां पर कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं वन कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। गाइज अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे जो है आप इस वन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप इसका अप्रूवल पा सकते हैं बिल्कुल 5 मिनट में, एकदम डिजिटल प्रोसेस है गाइज, इसके लिए मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट है। मैं आई कार्ड बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप डेफिनेटली वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग भी जो है वन मेटल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इसका अप्रूवल पाना चाहते हैं गाइस, सिर्फ एक अच्छा सिबिल स्कोर चाहिए होता है और उसके बेसिस के ऊपर जो है आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे जो है आप वन मेटल क्रेडिट कार्ड में अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके अपने क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग को पे कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए नीचे आपको ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर रिवॉर्ड्स का, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट कर देंगे टॉप के ऊपर आपको जितने भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास 17,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं और साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हैं कि इन सभी कैटेगरीज में अगर आप स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड का तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने को मिलेंगे और साथ ही साथ हर अगर एक महीने में आप 3 कैटेगरीज के ऊपर अगर आप स्पेंड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं टॉप 2 कैटेगरीज के ऊपर। और चलिए आप देख लेते हैं कि कैसे आप जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर रिडीम के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना होगा गाइज, और जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो जो भी आपके एलिजिबल ट्रांजेक्शन हैं यानी कि लास्ट मंथ में आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए थे और जो भी ट्रांजेक्शन एलिजिबल होंगे आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू अगर आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं तो वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कि मैंने सिर्फ लास्ट मंथ एक ही ट्रांजेक्शन किया था तो वो जो है यहाँ पर मुझे शो हो रहा है और इसे जो है अब मैं यहाँ पर सिंपली अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू जो है इस ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पर क्लियर कर लूंगा। तो इसे करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से गाइज राइट स्वाइप करना होता है और जैसे ही आप राइट स्वाइप करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल मुझे 1300 रिवॉर्ड पॉइंट्स के अप्रॉक्स यहाँ पर चाहिए होंगे अगर मैं जो है अपने इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलके जो है 1 रुपये के बराबर होता है यहाँ पर, यानी कि 10 पैसा आपको यहाँ पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू देखने को मिल जाती है। हालांकि रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू बहुत ही कम है यहाँ पर, लेकिन गाइज़ अगर आप 3 कैटेगरीज में स्पेंड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे यानी कि 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स तक भी देखने को मिल जाते हैं 2 कैटेगरीज में। तो चलिए अब हम यहाँ से सिंपली इसे रिडीम कर लेंगे। रिडीम करने के लिए सिंपली गाइज़ आपको नीचे यहाँ रिडीम नाउ के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना होगा और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सिंपली मेरा जो लास्ट मंथ का 137 रुपीज़ का बिल था उसे मैंने 1367 रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज़ करके जो है यहाँ पर इजीली यहाँ पर क्लियर कर लिया है और अब जो है मेरा टोटल कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो यहाँ पर 749 रुपीज़ है जो कि मेरा इस मंथ का आउटस्टैंडिंग है और इसका बिल जो है नेक्स्ट मंथ जनरेट होगा तो उसे भी जो है मैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू जो है इजीली पे कर पाऊंगा। तो इस तरीके से जो है गाइज आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज़ करके अपने क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग बिल को यहाँ पर पे कर सकते हैं।